नागपुर के कलमना मार्केट में सब्जी व्यापारी को लूटने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2,68,000 रुपए का माल भी जब्त किया है। 1 अक्टूबर को संतोष शाहू सब्जी मार्केट से 2,75,000 रुपए लेकर लौट रहे थे, तभी भारत नगर के पास 3 अज्ञात आरोपी बाइक पर आए और उन्हें रोककर मारपीट करने के बाद उनकी एक्टिवा समेत नगद लेकर फरार हो गए। जांच में पता चला कि हमाल रुपेंद्र शाहू ने मास्टरमाइंड जयराज वर्मा को व्यापारी के बारे में सूचना दी थी, इसी के आधार पर लूट की योजना बनाई गई। मामले में पुलिस ने हमाल मास्टरमाइंड समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 1,06,000 रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई 2 बाइक भी जब्त की है। 4 साल पहले एक हमाल करके काम कर रहा था, उसका नाम है रुपेंद्र साहू, ये इनके पास काम करता था। 8-1 महीना काम करने के बाद उनमें विवाद हो गया, तो विवाद होने के बाद इसने काम छोड़ दिया था। तो रुपेंद्र साहू ने फिर उसके बाद दुश्मनी निकालने के लिए फिर इसके दोस्त जो जयराज वर्मा, इसको इन्फॉर्मेशन दे दिया जो गुने में यूज किए हुए 2 बाइक स्प्लेंडर और करिश्मा वो भी जब्त किए हैं, इनके 7 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं और इनको अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसमें सभी मिला के टोटल 8 आरोपी है। हमने उसमें से साथी से साथी आरोपी अरेस्ट कर लिए और लास्ट वाला एक आरोपी बाकी है।